तो हेलो दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं टिकटॉक न्यू ट्रेंड वीडियो के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो इस टाइप के वीडियो जो आप किस प्रकार बना सकते हैं, इसी के ट्यूटोरियल आज के वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, और सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इस टाइप के वीडियो आपको शूट कर लेना है। इसके बाद आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों, चलते हैं आपको मोबाइल होम स्क्रीन पर, और वहाँ पर मैं बताता हूँ इस टाइप का वीडियो आप कैसे एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, 9:16 वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद जो हमने नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से वीडियो को शूट किए थे, वो वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जो हमारा इसमें एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को सबसे पहले हमें रिमूव कर देना है। यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड का है एक्स्ट्रा पार्ट, तो हमें वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, कैची के निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। इसके बाद राइट साइड का एक्स्ट्रा पार्ट है, तो हमें फिर से वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, कैची के निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद वीडियो पर क्लिक करना है, इसके बाद इस साइड वीडियो के वॉइस को आपको जीरो कर देना है। फिर से हमें वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, वीडियो को हमें स्लो मोशन कर लेना है। यहाँ पर वीडियो जो हमारा 8 से 10 सेकेंड के आसपास होना चाहिए। इसके बाद फिर से हमें वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, कलर फिल्टर में आना है। इसके बाद ब्लू कलर से ऊपर एक ग्रीन कलर मिल जाता है, इस कलर को हमें सेलेक्ट करना है। इसके बाद फिर से हमें वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, कलर फिल्टर में आना है। यहाँ पे हमें सही तरह से ग्रीन कर देना है वीडियो को। इसके बाद डन कर देना है। इसके बाद इस फिर से हमें इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। इसके बाद हमें फिर से हमें बैक कर देना है। बैक करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, इसके बाद 9:16 वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो फ़ोटो हमें बैकग्राउंड में लगाना है, वो फ़ोटो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फ़ोटो पे क्लिक करना है, इसके बाद इस पर क्लिक करना है, इस पर और इस पर क्लिक कर देना है। फ़ोटो जो हमारा आगे पीछे हो रहा था, छोटा बड़ा हो रहा था, अब छोटा बड़ा यहाँ पर नहीं होगा। इसके बाद इस फ़ोटो को हमें 10 सेकेंड कर जाना है। इसके बाद लेयर पर क्लिक करना है, इसके बाद मीडिया पर आना है। इसके बाद जो वीडियो हमने एक्सपोर्ट किए थे, एक्सपोर्ट किए गए वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद हमें इसे फुल साइज कर लेना है। फुल साइज करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो, उसे हमें पहले ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद इस पर क्लिक करना है। इसके बाद क्रोमा की को यहाँ पर इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद यहाँ के आपको सही तरह से एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर कलर जो है आपको ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है। और जो वीडियो जो हमारा पूरी तरह से तैयार हो चुका है, इसके बाद हमें डन कर देते हैं। तो दोस्तों, जो है इस तरह से हमारा तैयार हो चुका है। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में म्यूजिक चाहिए, तो मीडिया पे क्लिक करना है। इसके बाद वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आइडियो को इससे एग्जिट कर देना है। इस आइडियो के डबल प्रेस करना है, इसके बाद इसे लास्ट तक लेकर जाना है। इसके बाद फिर से हमें इस वीडियो को डिलीट कर देना है, क्योंकि इस वीडियो का हमारा काम हो चुका है। इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। और जो वीडियो जो हमारा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। दोस्तों, शाहरुख खान का जो फ़ोटो है, आपको गूगल से डाउनलोड कर लेना है। यदि डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आता है, तो हमारे इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है। इसके बाद शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर HD 720p 30 सेलेक्ट करने के बाद एक्सपोर्ट कर देना है। और दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो वीडियो जो है पूरी तरह से तैयार हो चुका है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलन चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।